व्यूअर्स, उमेरियन किचन में आपको एक दफा फिर खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रही है स्वीट ब्रेड, स्विस स्वीट ब्रेड। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 कप मैदा और इस तरह मैंने करके बिल्कुल प्लेन करके ये मैदा मैंने रखा है, 3 कप मैदा, 3 कप मैदा है यानी कि रिफाइंड फ्लावर। और साथ ये मैंने 3 कप मैदे में बटर जो है वो 9 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और या इट्स अप टू यू, मुझे अच्छा लगता है कोकोनट, कुछ लोग कोकोनट नहीं पसंद करते, ये क्रश्ड कोकोनट ऑलमोस्ट 6 टेबलस्पून है। और शुगर जो मेरी है वो जा रही है 9 टेबलस्पून इन 3 कप मैदा, ये शुगर जा रही है। और पिंच ऑफ साल्ट और 3 टेबलस्पून यीस्ट है, इंस्टेंट यीस्ट है, ये जा रहा है। और 2 अंडे जा रहे हैं, इनको मैं अब अच्छे से पहले मैश कर वो करती हूँ ग्राइंड, इसको अच्छे से इन इंग्रेडिएंट्स को, जिसमें 2 एग्स हैं, 9 टेबलस्पून चीनी है, 9 टेबलस्पून बटर है, पिंच ऑफ साल्ट और 3 टेबलस्पून यीस्ट के हैं। अब ये मैंने मिल्क वार्म करके रखा हुआ है ऑलमोस्ट 300 ग्राम, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और अपनी डो की प्रिपरेशन करूंगी। थोड़ी सी डो हमारी बन रही है, इसमें हम 1 टेबलस्पून एसेंस डालेंगे, वनीला एसेंस, और बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरी डो देखें पूरी बन गई है, ये डो मेरी पूरी अच्छे से बन गई है। अब मैं इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए इसको राइस करने के लिए किसी वार्म प्लेस पे रखूंगी, इस पे रैपिंग पेपर। आज मैं आपको विदाउट ओवन और विद ओवन स्विस ब्रेड बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अब हम 2 घंटे बाद मिलते हैं। वालेकुम व्यूअर्स, अब हमारी जो डो को राइस अच्छे से हो गई है, 2 आवर्स के बाद मैंने इसको निकाल ली है। ये जो हमने 3 कप मैदे की बना ली थी तो अच्छे से राइस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको प्रेपरेशन करेंगे, क्योंकि मैंने आज आपको विदाउट ओवन और विद ओवन रेसिपी बतानी है, तो इसलिए मैंने 3 कप ली थी। देखें डो मैंने अच्छे से सेट कर दी है, अब मैं इसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करूंगी, एक विदाउट ओवन के लिए, एक विद ओवन के लिए। जो ओवन में मैंने डो बनानी है उसके लिए मैंने बटर पेपर पे थोड़ा सा स्प्रिंकल किया ऑयल, और इसको मैं ऐसे फैला लूंगी। ये देखें ये मैंने सेट कर लिए, एक स्क्वायर शेप की डो, हाथों से ही मैंने इसको प्रेस किया है, कोई मुझे बेलने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ी सी इसकी एज जस्ट लाइक अ पिज्जा जो है ना, मोटी तय होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसके दरमियान में बटर लगाऊंगी, मेल्टेड बटर, और इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोनट, क्योंकि मुझे कोकोनट बहुत अच्छा लगता है, कोकोनट थोड़ा सा क्रश करके डाला हुआ है। मैं थोड़ी सी ब्राउन शुगर जो है उसकी मैं लेयर बनाऊंगी। अब ये कोकोनट और ये मैंने पिस्ताशू जो है, इट्स अप टू यू कि आप रेजन्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में यही यूज पसंद किए जाते, रेजन्स को इतना अच्छा पसंद नहीं किया जाता, तो ये मैं थोड़े से ऐड कर रही हूँ रेजन। वीर्स आप ये देखें दरमियान में मैंने सारी क्रश कर ली है, अब मैं इसको कटर से 2 साइड से इस तरह कटिंग करूंगी। व्यूअर्स देखें ये मैंने कटिंग कर दी है, अब मैं हर एज पे ये मैंने एग जो है वो मैंने किया हुआ है। अब ये देखें ये मैंने सारा एग लगा दिया है, अब मैं कॉर्नर्स को कैसे करूंगी, एक कॉर्नर को पकड़ा और दूसरे कॉर्नर के साथ क्रॉस का साइन बनाया, इसको थोड़ा सा प्रेस किया और फिर नेक्स्ट कॉर्नर को आगे की तरफ, देन सेकंड कॉर्नर, ये मैंने लास्ट कॉर्नर मर्ज कर लिया, ये हमारी शेप बनी है। और अब हम इस पे लाइट सा अगेन बटर लगाएंगे, हल्का हल्का करके बटर लगाएंगे, थोड़ा सा मैंने पहले मैदा स्प्रिंकल किया है और बटर लगा रही हूँ मैं इस पे। बटर लगा के इसको इसी तरह सेकंड जो हमने विदाउट ओवन बनाना है वो भी मैं ऐसे ही करूंगी, और इसको मैं 20 मिनट्स राइंस होने के लिए रख देती हूँ, अभी हम ओवन नहीं रख रहे ओवन पे। ओटीजी ओवन है, ओटीजी ओवन में 30 मिनट्स के लिए, 30 to 40 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे मैं इसको रखूंगी, और जिनके पास ओवन है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 to 30 मिनट्स के लिए रखेंगे।
और विदाउट ओवन मीडियम लो आंच पे 30 मिनट्स के लिए। ये हमने नेक्स्ट जो है वो विदाउट ओवन बनाने लगी हूँ। इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट किया हुआ था मीडियम लो फ्लेम पे। अभी हमारा पूरी तरीके से स्टीम हो गया है, तो उसको कोई भी छन्नी हो, मेरे पास इस वक्त कोई भी नीचे ग्रिल छन्नी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही उस पर रखूंगी और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको भी हल्की आंच पे मैं बेक के लिए रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो गए और ये हमारी स्विस स्वीट ब्रेड रेडी हो गई है। कितना अच्छा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये ओवन की ब्रेड भी हमारी रेडी हुई है। इसको 40 मिनट्स लगे हैं। ये देखें, इस पे सिर्फ फर्क ये होता है, इस पे कलर ज्यादा आया है और इस पे थोड़ा सा कम कलर आया। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्विस ब्रेड ये विदाउट ओवन ये भी रेडी हो गई है और ये विद ओटीजी ओवन वो भी रेडी हो गई है। रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल में शेयर करूंगी।